सबको पछाड़ता, शहर लाहौर में दहाड़ता, लाहौरियों के दिलों में झंडे गाड़ता। लाहौर न्यूज दो साल का हो गया। दलाइल, हकायक, सबूत और खबरियत के आला मेयार के साथ लाहौर न्यूज की कामयाबी के दो साल मुकम्मल हो गए। सियासी, समाजी और सकाफती हलकों का लाहौर न्यूज की काविशों का एतराफ, दिल खोल कर मुबारकबाद दी। क्या नेक ख्वाहिशात का इजहार, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर न्यूज की दूसरी सालगिरह का जश्न मनाया गया। शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, लाहौर के कितने पुरजोश हैं ये जानते हैं हमारे नुमाइंदगान से। लेटन रोड पर मौजूद हैं फयाज मलिक, लक्ष्मी चौक पर से हमें ज्वाइन करेंगे अली अरबाज और क्रीम ब्लॉक से हसाम अजमल जश्न दिखाएंगे। सबसे पहले रुक करेंगे लेटन रोड पर मौजूद फयाज मलिक का। फयाज मलिक का बताएगा, इस वक्त दो साल मुकम्मल हो चुके, जिंदा दिलाने लाहौर ने लाहौर न्यूज को दो साल कबल वेलकम किया और ये खुशी के जज्बात थमने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्या समा है? तो मैं आपको भी मुबारक, लाहौर न्यूज दो साल का हो गया और दो साल मुकम्मल होने पर जिंदा दलाने लाहौर जो है वो भरपूर अंदाज में लाहौर न्यूज की सालगिरह जो है उसको मना रहे हैं। ढोल की थाप पर रक्स का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ साथ आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिटन रोड पर, अंजमने ताजरा लिटन रोड मलक नाजम के दफ्तर पर, जहाँ पर ताजरों की बड़ी तादाद, सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि लाहौर न्यूज़ की सालगिरह जो है उसको मना रहे हैं। केक कटिंग का भी जो है बड़ा खूबसूरत सा मंजर है और हमें भी हार पहनाए जा रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते जो हैं लाहौर न्यूज़ की टीम को दिए जा रहे हैं। अब ये जो खूबसूरत केक है ये बिल्कुल कटने को तैयार है। लाहौर न्यूज़ की जो सालगिरह है मलिक नाजम की तरफ से इसका एहतमाम किया गया है और मलिक नाजम जो है इसको काट भी रहे हैं और लाहौर न्यूज़ की दूसरी सालगिरह जो है वो लिटन रोड पर ताजरों ने इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में मनाई और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं मैं कैमरे की आँख से कि ये केक जो है ये कट गया, हैप्पी बर्थडे हो गई और लाहौर न्यूज़ जो है दो साल का हो गया। अब मलिक साहब, लाहौर न्यूज़ दो साल का हो गया, आप क्या मैसेज देंगे? हम मैसेज देंगे लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया और लाहौर न्यूज़ ने जो खसूसन लाहौर के ताजरों की आवाज़ को उठाया है, किसी भी मौके पे हमें किसी भी प्रॉब्लम हुई तो लाहौर न्यूज़ सबसे आगे होता है। लाहौर न्यूज़ को हम मुबारकबाद देते हैं कि उनके आज दो साल पूरे हो गए हैं और इंशाल्लाह हम इनको वेलकम करते हैं। लाहौर न्यूज़ के दो साल मुकम्मल हो गए। अंजमन ताजरान मेन बाज़ार मजंग मियाँ भी हमारे साथ हैं, बताइएगा कि लाहौर न्यूज़ को क्या पैगाम देते हैं आप? लाहौर न्यूज़ ने बड़ी अच्छी सकाफत की है जी। लाहौर न्यूज़ का चैनल जो है ना बड़ा मशहूर है हमारा और हमारे हर दुख दर्द में लाहौर न्यूज़ सबसे पहले आता है, जिसके मियां अमर महमूद की पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और लाहौर न्यूज़ का दो साल की खुशी मना रहे हैं आज हम मलिक नाजम साहब के दफ्तर में। लाहौर न्यूज़ की दो साल की जो खुशी है वो सालगिरह मनाई जा रही है, आप बताएं अदरीस, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप बताएं क्या कहेंगे इस खूबसूरत जी। दुनिया टीवी के बाद जो है लाहौर न्यूज़ बहुत बड़ी कामयाबी है मियाँ अमर महमूद साहब की। हम मियाँ अमर महमूद साहब को आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तरफ से बड़ी दिली मुबारकबाद देते हैं और मियाँ अमर महमूद साहब को बताना चाहते हैं ये वही आपके ताजर हैं जब आप लाहौर के नाजम हुआ करते थे तो ये लोग आपके साथ थे। ताजर बरादरी के साथ साथ यहाँ पर शहरियों की भी बड़ी तादाद है, बताइएगा इकराज साहब, आपने लाहौर न्यूज़ को दूसरी सालगिरह, पहली सालगिरह भी आपने हमारे साथ मनाई, आज दूसरी सालगिरह है, इस खूबसूरत तकरीब के मौका पर आप क्या कहेंगे? जी मलिक साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला हम इतने खुश हैं कि जितने चैनल हम पहले देखते थे और जितनी आपकी क्विक कवरेज है मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, हमें इतना मज़ा आता है कि हम बकायदा इसको रेगुलर प्रोग्राम को देखते हैं। लाहौर न्यूज़ आ गया, लाहौर न्यूज़ छा गया, लोगों की भी यहाँ पर यही राय है कि लाहौर न्यूज़ ने जिस तरह शहरियों के मसाइल को उठाया किसी चैनल ने इस तरह शहर लाहौर की आवाज़ बनने की कोशिश नहीं की, जिस तरह लाहौर न्यूज़ ने अपने दो साल के कलील अरसे में शहर लाहौर के मसाइल जो है अवाने बाला तक पहुँचाए। जी ठीक है, फयाज मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, जश्न का समा है, हसाम अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब रुख करेंगे। हसाम बताइएगा, दो साल कामयाबी के मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरे साल में हम दाखिल हो रहे हैं, क्या कहना है शहरियों का?
ہیں اور کریم مارکیٹ کے تمام تاجر اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ آج لاہور نیوز کی دوسری اینیورسری ہے, آج ہماری دوسری اینیورسری ہے. اسی حوالے سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں, کیک ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ لوگ ابھی کیک کٹنگ سیرمنی کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ. آپ بتائے گا عمران صاحب کہ لاہور نیوز دو سال اور اب تک کا آپ کا تجربہ. میں تو پہلے تو سب سے پہلے پوری کریم بلا کی طرف سے لاہور نیوز کی دوسری سال کو مبارکباد دیتا ہوں. جیسے کہ اب یہ پٹرول کم ہوا ہے, اس کا ریٹ کم ہوا ہے, تو لاہور نیوز کی طرف سے ہمیں بریکنگ نیوز ملی ہے. جیسے 2018 کا الیکشن ہوا ہے تو وہ بھی بریکنگ نیوز کی طرف سے ہمیں, لاہور نیوز کی طرف سے ہمیں اس کی بریکنگ نیوز ہمیں ملی ہے. جیسے کہ ایک یتیم غریب کی آواز حکمرانوں تک پہنچی ہے تو وہ ہمیں لاہور نیوز کی طرف سے ہی ہمیں یہ رپورٹ آئی کہ غریب کا ساتھ دیا ہے, اس کی مدد بھی ہے. تو اسی طرح لاہور نیوز ہمیشہ غریب کا سہارا بنے. جیسے یہاں انکروچمنٹ کا, یہاں کریم بلا کے جو مسئلے بنے انہوں نے ہمارے مسئلے حل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح لاہور نیوز کو کامیابی عطا فرمائے, کیونکہ جو لاہور نیوز میڈیا ہے یہ عوام کی طاقت ہے. کیونکہ ہم فخر کرتے ہیں اس نیو لاہور نیوز, جب سے لاہور نیوز آیا ہے تو ہمیں لاہور کی علاقوں کی لاہور کی ہمیں پہچان نظر آئی ہے کہ لاہور. بالکل, پیٹرول پرائسز جب کم ہوئیں تو انہیں لاہور نیوز سے پتہ چلا. الیکشن 2018 کی بریکنگز کا سب سے پہلے ان کو لاہور نیوز سے پتہ چلا, اور جتنے بھی لاہور کے جتنے مین ایونٹس ہیں وہ انہیں لاہور نیوز سے پتہ چلتے ہیں. جمشید با صاحب, آپ بتائیں کہ لاہور نیوز آپ کا اب تک کا ایکسپیرینس اور لاہور نیوز سے آپ کو کیا اب تک کی خوشی اور ایکسپیرینس ملا؟ سب سے پہلے لاہور نیوز والوں کو کریم بلا مارکیٹ کے سب تاجروں کی طرف سے انہیں اس سالگرہ کی دوسرے سال کی مبارکباد دیتا ہوں. یہ لاہور نیوز جو ہے وہ ہمارے تاجروں کی آواز بنی ہے اور ہماری اسی آواز سے تاجروں کا جو حوصلہ وہ بلند ہوا ہے, اور ہمارے کافی مسائل جو لاہور نیوز کی وجہ سے اٹھائے گئے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور اچھی بات سر, آپ بتائیں, آپ لاہور آئے اپنے علاقوں سے, شمالی علاقوں سے, اور لاہور آ کر آپ کو لاہور نیوز سے دو سال میں کیا, اور لاہوریوں کے ساتھ وہ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے, کس خوشی کے ساتھ لاہور نیوز کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے. وہ الیکشن کی کوریج ہو, وہ موسم کا حال ہو, یا پھر وہ بڑھتی اور گرتی پرائسز ہوں, تمام صورتحال سے سب سے پہلے لاہور نیوز نے سب سے پہلے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا. حسام اجمل اور فیاض ملک ہمارے ساتھ موجود تھے, دونوں کا بہت شکریہ.